सो हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम दिल्ली। तो यार इस बार ना मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी नहीं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया था वो गया था 40, 41 और 42 भी गया था। लेकिन जैसे टेम्परेचर हाई हुआ ना इस बार मई में, तो बारिश होगी, नेक्स्ट डे बारिश हो गई या फिर मौसम चेंज हो गया, बादल आ गए, तो बहुत ज्यादा लू टाइप जो गर्मी होती है ना मई में वो पड़ी नहीं। लास्ट ईयर मुझे ध्यान है मई में बहुत ज्यादा बुरा हाल था और लू चल रही थी प्रॉपरली। तो इस बार एटलीस्ट मई का महीना आराम से निकल गया। लेकिन जून में ऐसा नहीं है, इस टाइम मिड ऑफ जून चल रहा है और लास्ट दो तीन दिन से जो टेम्परेचर हो रहा है ना वो रहा है 42, 43। भयंकर ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है। मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कि अभी हालत क्या है। अभी टाइम हुआ है सुबह के 10:30। ये देखो बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी है और एकदम सूरज जो है फुल फॉर्म में है। लेकिन इस गर्मी में एक बढ़िया और एक ठंडी खबर ये है कि अपना नेक्स्ट बाइक ट्रिप जो है, अपना जो नेक्स्ट बाइक ट्रिप है वो प्लान हो गया है। तो मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो मैं बताऊंगा इस व्लॉग में आगे। लेकिन ये जो अपना ट्रिप है ये सोलो होने वाला है। तो यार जाना तो अपने पहाड़ों में है, पर पहाड़ों में पहुंचने के लिए हमें प्लेन्स में समर्स में राइड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने ना एक प्रोडक्ट जो है ऑर्डर किया था अमेज़न से, वो आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कूलिंग वेस्ट। अब इस कूलिंग वेस्ट का फायदा ये है कि जैसे समर में आप राइड करोगे तो इसको आपको करना क्या है, यूज करने के लिए आपको उसको पानी में डिप करना है और ये जो पानी जो है, ये जो जैकेट है, ये वेस्ट जो है, ये पानी को होल्ड कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके बाद में आप ये अपना नॉर्मल टी शर्ट के ऊपर ये कूलिंग वेस्ट पहन लो और उसके ऊपर राइडिंग जैकेट पहन लो, उसके ऊपर आप 2-3 घंटे तक ना आपको फील नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी फील नहीं होती है। तो इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे, तो एक बार मैं यूज करूंगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा अपना फीडबैक। और अपनी राइड से पहले अपनी बाइक को भी रेडी करना है, बाइक की अपनी सर्विस जो है ड्यू हो गई है और उसके ना ब्रेक पैड भी आई थिंक जो है खत्म हो गया फ्रंट के खासकर, तो मुझे ब्रेक पैड भी चेंज कराने हैं उसके। और उसमें आई थिंक एयर फिल्टर भी है वो भी चेंज होगा जो नॉर्मल होता है। और उसमें ना एक इशू आ रहा है बाइक में, जब मैं अभी यहाँ स्पीति वैली गया था बीच में ना कई बार अनोइंग सी आवाज़ आती है, मैं आपको सुनाता हूँ वो आवाज़ क्या है, पहले आपको क्लिप देखो। तो ये जो नॉइज है ना ये खासकर हिल ड्राइव में ज्यादा आ रही थी, प्लेन्स में भी आ रही थी बट इतनी ज्यादा नहीं आ रही थी, आई डोंट नो हिल्स में क्यों आ रही थी। तो जो मैकेनिक था कल्पा में रिकॉन्गपियो में, जब मैंने अपनी बाइक की बैटरी चेंज करवाई थी, तो उसने मुझे बोला कि माइट बी आर इंजन की नॉइज लग रही है उसको, बट मुझे पर्सनली ना इंजन की नॉइज नहीं लग रही, वो किसी और चीज की प्रॉब्लम है। बाकी पर चलते हैं वर्कशॉप में और दिखाते हैं कि क्या इसमें इशू है और अपनी बाइक को जो है चकाचक करवाते हैं नेक्स्ट राइड के लिए। तो अभी निकलते हैं और बाकी बात करते हैं बाइक पे। और ये देखो ये जयपुर हाईवे का हाल है। इस हाईवे की एक्सपेंशन दसियों साल से चल रही है, एक्सपेंड हो के इतना बड़ा हो गया, इतना ब्रॉड हो गया, लेकिन ट्रैफिक का कोई इलाज नहीं है। जितना ये रोड ब्रॉड होती है उतना ट्रैफिक बढ़ जाता है। और गर्मी भाई साहब जहर गर्मी है, चल रहा हूँ तो ठीक लग रहा है और जैसे रोक रहा हूँ ना ओहो एकदम कहाँ कहाँ से पसीना निकल रहा है मैं बता भी नहीं सकता आपको। पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे कैमरे से ऊपर है मेरी आँखें हैं तो मुझे दिख रहा है कि बहुत भयंकर जाम है। जैसे मेरी ये ब्लैक जैकेट है और ये तो प्रॉपरली तसल्ली से हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। यार एक सजेशन है, मैंने तो ये जो मैश वाली जैकेट है ना ये ले ली है ब्लैक के चक्कर में, लुक्स के चक्कर में, लेकिन मैश वाली जैकेट आपको एक्सट्रीम समर्स में रहती है रिक्वायर्ड, और ना ब्लैक कभी नहीं लेनी चाहिए, आपको हमेशा लाइट कलर लेना चाहिए। तबाही वाला जाम है भाई, वो देखो पूरा ब्रिज जो है ऊपर जाम है। शुक्र है गुड़गांव में एंटर कर लिया है। यार हो तो गर्मी रही है लेकिन सही बताऊँ नेक्स्ट राइड की ना पूरी फील आनी स्टार्ट हो गई है। और इस बार मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड राइड किए हुए बहुत टाइम हो गया मुझे। तो उत्तराखंड में कौन सी लोकेशन है, एक्चुअली यार 2-3 लोकेशन मैंने फाइनल की हुई है, मतलब मैंने 2-3 लोकेशन सोची हुई है और अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सी लोकेशन में जाऊँगा, और 2-3 दिन में निकलने वाला हूँ मैं। तो बाकी आपको एक आध ब्लॉग में मालूम चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और अभी जैसे मैंने कूलिंग वेस्ट पहनी हुई है ना, तो इससे हो ही रहा है कि मेरी आर्म्स पे तो गर्मी लग रही है, मुझे गर्म हवा लग रही है, लेकिन जो मेरी चेस्ट है ना आगे फ्रंट पे, चेस्ट पे मुझे ठंडी हवा लग रही है। तो मतलब वो होता ना गर्मी लगती है एकदम भयंकर वाली जैसे लू में, वो नहीं लग रही, तो थोड़ा बेटर है। फाइनली पहुंच गए हैं हम बिग विंग सर्विस सेंटर। ओह व्हाट अ रिलीफ, अपनी बाइक ठीक हो जाए और हम निकल जाए राइड पे, बस यही चाहिए मुझे अब। और सेठ जी लेट हुआ आप। क्यों पहले आ गए सर जी, हेड लगा दी मैंने। लगा तो कोई बात नहीं, सर तो सर ही हैं। सर फ्री होंगे, गन आपके लगाऊंगा अगर 3 साल में करानी है तो।
हाँ ठीक है उनसे करा देना। इसमें एक तो ब्रेक चेकर नहीं है इसकी, और एक इसमें आवाज़ आती है अजीब सी, मैं दिखाता हूँ आपको लैपटॉप में, वो इसकी आवाज़ तो नहीं है मुझे लग रहा है साइलेंसर की। एक तो ब्रेक शू चेक कराने हो गए इसके, सर्विस हो गई, एयर फिल्टर चेक कर लेना। वो मेन वो चीज़ आवाज़ है, पहले कम आती थी मैं इग्नोर कर रहा था, अब थोड़ी ज़्यादा आती है, कई बार आती है, पुश करता हूँ ना मैं एक्सीलेटर को तब आती है। नॉर्मल हाय कैसे हो? ऑल वेल ऑल गुड। बाइक ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो बाइक दे दिया मैंने सर्विस करने के लिए, और जहाँ पर अंदर सर्विस होती है ना वहाँ पर हमारी एंट्री अलाउड नहीं है और रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दिखाने देता हूँ। तो जो भी इशू था बाइक में मैंने बता दिया, ब्रेक का इशू था, मेजर तो इशू था जो उसमें आवाज़ आ रही है। तो आज यहाँ चांस की बात है कि कोई वो सुपर बाइक नहीं है सर्विस करने के लिए, तो जो सुपर बाइक के टेक्नीशियन है दिनेश, जो कि नॉर्मली 500 सीसी की जो उनकी बाइक है और उससे ऊपर की जो बाइक है वो सर्विस करते हैं, तो वो आज फ्री हैं। तो अपनी बाइक है वही सर्विस करेंगे आज, प्रॉपरली चेक करेंगे। तो अभी एक बाइक लगी हुई है, उसके बाद अपनी बाइक का नंबर आएगा, तो एक बार अपनी बाइक की सर्विस हो जाए और उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है वो मालूम चल जाए, तो उसके बाद मैं आपसे जो है डिटेल शेयर करूँगा इसकी। मैम बाइक चमका दी आपने आज ज़बरदस्त, एकदम नई बाइक ले रही है आज। बाइक रेडी होगी अपनी, चलो चलते हैं और उसके बाद बात करते हैं रास्ते में कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। एक मिनट यार ये फ़ोन लगा लूँ मैं। भाई साहब पूरा दिन लग गया आज यहाँ पर वर्कशॉप में, लेकिन एकदम तसल्ली बख्श काम हुआ है आज, और पहली फील। अभी चलते हैं रोड पे, आपको बताता हूँ उसमें कि कैसा मुझे फील हो रहा है, मतलब क्या चेंज लग रहा है मुझे। यार एक बात तो है कि बाइक की सर्विस करवा लो ना, उसके बाद बाइक चलाने का मज़ा ही अलग आता है यार। काफ़ी स्मूथ हो गई है बाइक, मतलब बढ़िया मज़ा आ रहा है चलाने में, ऐसा लग रहा है यार न्यू बाइक ले ली है मैंने, मज़ा आ गया, मतलब सर्विस अच्छी की है आज। ओहो अरे भाई साहब देखो फिर दोबारा जाम, दिल्ली और गुड़गांव जाने वालों की यही कहानी है रोज़ की। सर्विस करा के बाइक तो स्मूथ हो गई मेरी, काफ़ी स्मूथ चल रही है, लेकिन ऐसी कौन सी सर्विस कराएं जिससे कि जाम कम हो जाए दिल्ली की सड़कों पर। अरे भाई साहब क्या भयंकर जाम था यार, खतरनाक वाला जाम था। आज की डेट में ना किसी को आपको पनिशमेंट देनी है ना, तो उसको शाम के टाइम टू व्हीलर पे दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे भेज दो। गर्मी वैसे ही हो रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर तो वैसे ही हो रहा है, और इतनी गर्मी जो व्हीकल जनरेट करते हैं तो 4-5 डिग्री जो है एड ऑन हो जाता है, तो 45 डिग्री में आपका पूरा एकदम चिकन रोस्टेड बन जाएगा आपका। बहुत गर्मी है यार, ऊपर से ना अभी नॉर्मली इंजन से इसके इतनी ज़्यादा हीट निकलती नहीं है, और मुझे आज फील हो रही है कि ऑलरेडी मेरे हाई एंकल शूज़ हैं तब भी मुझे फील हो रही है मेरे पाँव में काफ़ी हीट। बाकी अपनी बाइक बहुत बढ़िया चल रही है, एकदम मस्त मूव चल रही है, काफ़ी डिफरेंस फील हो रहा है यार। ये तो है यार, एकदम ना सर्विस कराने के बाद में ना काफ़ी मतलब आपको चेंज लगता है बाइक, मतलब व्हीकल में। डिटेल में आपको पहुँच के बताऊँगा। सो ये है अपनी बाइक होंडा हाइना CB350, एकदम सर्विस हो के नहा धो के एकदम चमक गई बाइक, और अपनी बाइक जो है नेक्स्ट लॉन्ग ट्रिप के लिए उत्तराखंड राइड के लिए रेडी हो गई है। यार इस बार ना जो अपना बिग विंग का सर्विस सेंटर है उन्होंने बहुत तसल्ली से काम किया है, पहले भी काम अच्छा करते हैं, पर इस बार ना ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे लगे हैं इस बाइक की सर्विस में, और इस बार जो बिल है ना सर्विस का वो भी थोड़ा मोटा, थोड़ा एक्स्ट्रा बिल आ गया है। वो बिल कितना आया है मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें काम क्या क्या हुआ है। तो नॉर्मल ये सेकेंड सर्विस है मेरी बाइक की, सेकेंड पेड सर्विस है, तो नॉर्मल सर्विस में आपकी बाइक की सर्विस होगी, देन आपका ऑयल चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, ये आपका नॉर्मली होता है हर सर्विस में जो होना चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या हुआ है, एक तो यहाँ पर जो इसका एयर फिल्टर है वो चेंज हुआ है, बहुत ख़राब हो गया था, और उसके अलावा इसमें एक और मैंने काम कराया है अपनी चेन क्लीनिंग। चेन क्लीनिंग नॉर्मली होती है, लेकिन इसमें मैंने क्या करवाया था इस बार, फ्रंट का ये स्प्रॉकेट है, कवर है, ये खोलोगे तो इसके अंदर आपका आता है फ्रंट में स्प्रॉकेट, तो वो क्लीन करवाया है, और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ उसकी, उसमें कितना ज़्यादा जो है इसमें मिट्टी निकली है। तो ये देखा आपने, ये इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। नॉर्मली हम क्या करते हैं अपनी चेन की और अपनी पीछे के जो स्प्रॉकेट है ये क्लीन करते हैं, फ्रंट स्प्रॉकेट जिसको हम ड्राइवर स्प्रॉकेट भी बोलते हैं वो क्लीन नहीं होते हैं। तो अगर आपकी बाइक जो है डस्टी एनवायरनमेंट में ज़्यादा राइड होती है या फिर ऑफ रोडिंग करते हो, तो यार ये ना फ्रीक्वेंटली आई थिंक 4-5 हज़ार किलोमीटर में हमें खोल के एक बार क्लीन कराना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। मैंने फर्स्ट टाइम करवाया है, ये ओपन करवा के आई थिंक सेकेंड टाइम करवाया है, तो दिस इज़ सजेशन फॉर यू। तो ये काम एक्स्ट्रा हो गया इसका, खुलवा के क्लीन करवाई है। उसके अलावा
अपनी बाइक के जो पीछे के ब्रेक पैड हैं, रियर के ब्रेक पैड हैं, वो ठीक हैं। फ्रंट के ब्रेक पैड ना यार इसके ऑलमोस्ट अभी ऐसे हैं, कंडीशन ऐसी है कि वो ऑलमोस्ट चल जाएंगे 1000 किलोमीटर, और अपनी राइड जो है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर होने वाली है। तो यार ब्रेक पैड ऐसी चीज़ है ना कि उसमें आप ना चांस ले नहीं सकते, तो मैंने चेंज करवा लिए हैं पुराने ब्रेक पैड। मैंने इसको क्लीन करवा के रख लिए हैं, इन केस ऑफ एमरजेंसी कभी चाहिए होते हैं आगे तो रख लिए हैं, लेकिन मैंने चेंज करवा लिए हैं, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। और एक और चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि बाइक में नॉइज़ आ रही है, तो वो नॉइज़ के लिए क्या था, ये जो आपकी इंजन ब्लैश प्लेट है, इसको यूँ अभी ये प्रेस कर रहा हूँ ना, मैं जैसे दबा रहा हूँ उसको, तो ये टच नहीं हो रही है। तो पहले ये था कि वहाँ पर जब वर्कशॉप के अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वहाँ अलाउड नहीं है, तो जैसे इसको हम प्रेस कर रहे थे ऐसे, तो ज़्यादा प्रेस करने से ना वो टच हो रही थी कहीं, तो बीच में भी जो नट है वो गैप जो है रबड़ की जो गैस्केट होती है वो थोड़ी घिस गई थी या निकल गई थी, तो वो टच हुआ था, मतलब काफ़ी प्रेस करने से। तो जब बाइक थोड़ी पुश करता था मैं हायर स्पीड पे जैसे माउंटेंस में, तो वहाँ पर इंजन की वाइब्रेशन से वो टच हो रहा था, तो 95% चांस है कि वही रीज़न था, क्योंकि कुछ और नहीं मिला। हमें डाउट था, मतलब सर्विस सेंटर में डाउट था कि ये लूज़ ना हो इसका जो है साइलेंसर, बट ये भी लूज़ नहीं था, तो वो भी एक इशू जो है, मतलब जो भी वो भी जो एक डाउट है वो रूल आउट हो गया। तो बचा यही जो इंजन बैश प्लेट है, तो उसको ओपन करके उसमें दो जो है रबड़ की गैसकेट मोटी वाली वो फिट कर दिया और टाइट कर दिया। तो अभी हमने ढंग से इसको दबा के देख लिया है, तो अभी टच नहीं हो रहा है, तो होपफुली यही रीज़न था उस नॉइज़ का, क्योंकि वो नॉइज़ से ना यार मैं बहुत परेशान था स्पीति वाले ट्रिप में। कितनी बार ऐसा हो रहा था कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और नॉइज़ आ रही थी, तो मैंने दोबारा फिर वो रिकॉर्ड किया। तो ये तो हो गया अपनी बाइक में जो काम हुआ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बिल कितना आया। बिल इज़ 4582, 4600 रुपये के आसपास बिल आया है। और इसका ब्रेकअप क्या है, फर्स्ट हो गया आपका इंजन ऑयल जो 1200 रुपये के आसपास का है, और देन कुछ वॉशर्स वगैरह हो गई, देन उसके बाद में आपकी ओरिंग होती हैं वो चेंज होती हैं जब आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, देन आपका हो गया चेन क्लीन, चेन ल्यूब वो 200 रुपये का है, और उसके बाद छोटे मोटे नट बोल्ट हो गए ये 138 का क्या है ये, एंड देन आपके फ्रंट के डिस्क पैड ये हो गए आपके 700 रुपये के आसपास, और उसके बाद में आपका 300 रुपये की लेबर है यार अपनी, ब्रेक शू जो अपने चेंज हुए हैं, और ये जो प्लेट है इंजन बैच प्लेट ये निकाली 2-3 बार और लगाई इसको, इसमें बहुत टाइम लग गया उनका, ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा इसी में काम में लग गया, तो ये टोटली जस्टिफाइड है 300 रुपये प्लस 1100 रुपये की पेड सर्विस प्लस टैक्सेस। तो ये हो गया थोड़ा मोटा खर्चा इस बार अपनी बाइक पर, लेकिन अपनी बाइक अब बढ़िया हो गई है, चलने में मज़ा आ रहा है। जो नॉइज़ का इशू था मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो इशू 95% मतलब आई बिलीव कि वो रिजॉल्व हो गया है, क्योंकि कुछ और था नहीं इसमें लूज स्पॉट, और मैं भी जब लेके आया वर्कशॉप से यहाँ पर अपने घर तक, तो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर मैंने बाइक राइड करी, बीच में पुश भी करी 80-90 पे जहाँ मुझे थोड़ा स्पेस मिला, तो अभी तक तो वो आवाज़ आई नहीं है। बाकी मैं ट्रिप पे जाऊँगा जल्दी तो मैं बताऊँगा आपको कि वो इशू स्टिल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये तो हो गया वो काम जो इस बाइक में हो गया है, अब एक काम है जो इस बाइक में अभी भी पेंडिंग है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बाइक चली कितनी है, 16,000 किलोमीटर, और इसमें जो है अभी चेन स्प्रॉकेट जो है इसके वो चेंज होंगे, जो इसका वेयर एंड टियर है वो जो भी ज़्यादा हो गया है, तो अभी वर्कशॉप में ये जो आपकी चेन है, चेन तो है बट ये पीछे का जो स्प्रॉकेट है वो स्टॉक में नहीं है, तो वो अब चेंज होना है, तो वो आती मुझे 1500 किलोमीटर में चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आज होता तो मैं आज ही चेंज करवा लेता, बट आज स्टॉक में था नहीं तो मैं चेंज करवा नहीं पाया, तो एक ये काम जो है चेन और चेन स्प्रॉकेट का ये रह गया है, बाकी अपनी बाइक ऑल सेट है फॉर नेक्स्ट राइड। यार गर्मी इतनी भयंकर हो रखी है ना, अगर आप 1 घंटे के लिए भी बाहर निकल जाओ ना तो आपको आके ना नहाना ही पड़ता है, बिना नहाए ना ऐसा फील होता है जैसे ना मछली होती है ना बिना पानी के, ऐसा फील होता है, तो बहुत भयंकर गर्मी हो रखी है। एंड बाइक का मैंने आपको बता दिया बाइक में मैंने क्या क्या काम कराया, बस एक चेन स्प्रॉकेट और चेन सेट जो है वो रह गया रिप्लेस करना, होपफुली 1 वीक में या 10 डेज में जो है होंडा का जो सर्विस सेंटर है उसमें आ जाएगा, क्योंकि मुझे चेन स्प्रॉकेट और चेन सेट जो है चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड की राइड के बाद में ना एक और लंबी राइड प्लान हो रही है, तो उसकी मैं डिटेल ऑफकोर्स मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो इस साल ना काफ़ी लंबी राइड जो है लगने वाली है, काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है चैनल पे, काफ़ी कुछ होने वाला है चैनल पे, तो आप बने रहिएगा साथ में, जैसे आपने सपोर्ट दिखाया अभी तक आप सपोर्ट करते रहिए। और अगर बात करें अपनी कूलिंग जैकेट की या फिर कूलिंग वेस्ट की जो मैं पहन के गया था सर्विस सेंटर में, तो यार यूज़फुल तो है वो, मतलब जैसे ना
काफ़ी लू थी आज, तो मुझे बाजू में ना फील हो रहा था कि काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे, लेकिन ना चेस्ट पे मुझे काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा था, तो मतलब मुझे यूज़फुल तो लगी वो जैकेट नो डाउट। और एक बार डिप किया था मैंने जब मैं निकला था, तो मैंने वहाँ जैकेट डिप नहीं किया वापस उसको दोबारा वाला सर्विस सेंटर में, तो यहाँ से पहन के गया, ऑलमोस्ट 45-50 मिनट मेरी राइड रही, आया तो मुझे एक घंटा लगा, काफ़ी गर्मी थी शाम को भी, तो मतलब मुझे कम्फर्टेबल लगा, तो मतलब यूज़फुल तो है जैकेट नो डाउट। बाकी कितने 2-2.5-3 घंटे कितनी देर जो है पानी वो होल्ड करेगी वो तो मैं एक बार राइड पे जाऊंगा तो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन हाँ फर्स्ट कट ये है कि यूज़फुल है नो डाउट। उसका जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहिए तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। यार उत्तराखंड राइड के ना जो ब्लॉग हैं वो थोड़ी सी लेट आएंगे, क्योंकि ना ब्लॉग बनाने में टाइम लगता है, तो इंस्टाग्राम पे जो है रियल टाइम अपडेट मैं शेयर करता रहूंगा, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे मेरी आईडी आ रही होगी। अब इसके बाद एक आध ब्लॉग और आएंगे और उसके बाद में अपने उत्तराखंड के ब्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ टेक केयर एंड गुड बाय।